नमस्कार बच्चों, आज से पहले कुछ वीडियोस मैंने पोस्ट की आपको, जिसमें कि हमने देव कवि के बारे में और आदि कवियों के बारे में पढ़ा। आज हम बीए और बीए बीएड थर्ड ईयर का त्याग पत्र उपन्यास जो कि सिलेबस में है उसका वर्णन करेंगे। जैनेन्द्र कुमार जी का ये उपन्यास है। तो सबसे पहले हम जैनेन्द्र कुमार जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हैं जैनेन्द्र कुमार जी, जैसे कि आपको फोटो शो हो रही है, जीवन परिचय इसमें इनका सबसे पहले जन्म बताया गया। ऊपर सन 1905 में इनका जन्म हुआ और 1988 ईस्वी में इनकी देहावसान हो गया। जीवन परिचय। जैनेन्द्र कुमार बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं। उन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध तथा संस्मरण आदि अनेक गद्य विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। इनका जन्म 2 जनवरी 1950 ईस्वी 1905 ईस्वी को अलीगढ़ जनपद के कोडियागंज नामक कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम प्यारेलाल और माता का नाम श्रीमती रमा देवी था। इनका बचपन का नाम आनंदीलाल था, लेकिन जैनेन्द्र कुमार बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनका बचपन का नाम आनंदीलाल था, लेकिन इन्होंने अपना नाम बदलकर जैनेन्द्र कुमार रख लिया। तो जैनेन्द्र जी का बचपन का नाम पूछा जा सकता है आपसे, क्या था? आनंदीलाल। इन्होंने बाद में अपना नाम क्या रख लिया? जैनेन्द्र कुमार। ये देखो, इन्होंने अपना नाम जैनेन्द्र कुमार रख लिया। पहले नाम क्या था? आनंदीलाल। बाद में क्या रख लिया? जैनेन्द्र कुमार। हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्माचार्य आश्रम में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। फिर इन्होंने पंजाब में हाई स्कूल और वाराणसी के सेंट्रल हिंदू स्कूल से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा उच्च शिक्षा हेतु बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन सन 1921 के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी शिक्षा का क्रम मध्य में टूट गया। इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी का ज्ञान एवं विस्तृत विस्मृत ज्ञान प्राप्त किया। आंदोलनों में भाग लेने के कारण वे कई बार कारागार में भी गए। मतलब पहले के जो कवि थे, साहित्यकार थे, वे कहाँ तक जाते थे? वे कारागार, मतलब जेल तक जा जाते थे। उस समय जेल जाना कोई मतलब शर्मनाक बात नहीं होती थी, गर्व की बात होती थी। जो देश के शहीद हुए हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनका साथ देना, उनके आंदोलनों में भाग लेना। 1928-29 ईस्वी में इन्होंने साहित्य क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया। 24 दिसंबर 1928 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। कृतियां। इनकी पहली कहानी खेल सन 1928 ईस्वी में विशाल भारत में छपी थी। इनके प्रथम उपन्यास परख पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रथम कहानी कौन सी थी? खेल। और प्रथम उपन्यास कौन सा था? परख। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया था। इन्होंने अपनी रचनाओं में कला, दर्शन, मनोविज्ञान, समाज, राष्ट्र और मानवता आदि विषयों पर अपनी लेखनी चलाई। इनके अनेक निबंध संग्रह भी प्रकाशित हुए। इनके निबंध चिंतन प्रधान एवं विचार प्रधान है। जैनेन्द्र जी की कुछ प्रमुख कृतियाँ। कहानी संग्रह फांसी, एक रात, पाजेब, स्पर्धा, वातायन, यहाँ पालेब लिखा हुआ है, ये पाजेब है, स्पर्धा, पाजेब, स्पर्धा, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, दो चिड़ियाँ, जय संधि, इनकी कहानियाँ जैनेन्द्र की कहानियाँ नाम से 10 भागों में संग्रहित हैं। तो हम इसको क्लीन कर देते हैं।
भाषा शैली प्रमुख रूप से जैनेन्द्र जी की भाषा के दो रूप दिखाई देते हैं, भाषा का सरल सुबोध और संस्कृत निष्ठ भाषा का रूप। इन्होंने अपनी भाषा में मुहावरों और कहावतों का सजीव प्रयोग किया है। भावों को भलीभांति अभिव्यक्त करने की क्षमता इनकी भाषा में सहज रूप से विद्यमान है। इनकी शैली अनेक रूप धारिणी है। प्राय प्रत्येक रचना में इनका रूप नया है। इसमें व्यंग्य, नाटकीयता और रोचकता की प्रधानता है। प्रमुख रूप से जैनेन्द्र कुमार जी एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, तो व्यंग्य इनका प्रधान है। सामान्य रूप से इनके कथा साहित्य में व्याख्यात्मकता और विचारात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। जैनेन्द्र कुमार मनोविश्लेषणात्मक लेखन में हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनके उपन्यास मनोवैज्ञानिक एवं कहानियाँ चिंता पर है। अब ये है हमारा उपन्यास, जैनेन्द्र कुमार जी का त्यागपत्र उपन्यास। उपन्यास का आरंभ न्यायाधीश प्रमोद की स्मृति से होता है, बुआ की मृत्यु के बाद। अब इसके अंदर एक तो प्रमुख दो करैक्टर हैं जिसको हम चरित्र बोल सकते हैं। पहला करैक्टर है प्रमोद, जो कहानी का केंद्र बिंदु है, और दूसरा करैक्टर है मृणाल, जो उसकी बुआ है। इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द ये समस्त कहानी चलती है। तो पूर्ण उपन्यास पढ़ना संभव नहीं है। जैसे आप बुक खरीदोगे उसमें से आप रीड कर लोगे। मैं आपको यहाँ समरी बता रही हूँ, सार बता रही हूँ उपन्यास का। उपन्यास का प्रारंभ न्यायाधीश प्रमोद की स्मृति से होता है, बुआ की मृत्यु के बाद वह उनके जीवन का स्मरण करता है। प्रमोद जानता है कि बुआ सुखपूर्वक नहीं मरी। वह बताता है कि मेरे पिता प्रतिष्ठित व माता कुशल गृहिणी थी। वैसे माँ कठोर थी, बुआ अत्यंत सुंदर थी। माँ को भय होता था कि कहीं वह गलत रास्ते पर न भटक जाए। वे बुआ को अनुशासन में रखती थी। बुआ मुझे बहुत चाहती थी। वे शरारती भी थी और बताती थी कि स्कूल में वे तरह तरह की शैतानियाँ करती थी। मास्टर जी को वे खूब परेशान करती थी। उनकी सहेली शीला भी शरारती थी। एक बार कुर्सी की गद्दी में शीला ने पिन चुभो दी। जब मास्टर जी बैठे तो वह उनके चुभ गई। बाद में सबकी पिटाई न हुआ तो बुआ ने पिटने के लिए हथेली बढ़ा दी। इस घटना से शीला बहुत रोई। बाद में दोनों में घनिष्ठता हो गई। बुआ शीला के यहाँ आने जाने लगी। बुआ का मन पढ़ने में नहीं लगता था। हाँ, स्कूल जाना अच्छा लगता था। वे कुछ बड़ी होने पर मुझे अच्छा बनने का उपदेश दिया करती थी। फिर उन्होंने उपदेश देना बंद कर दिया। वे अब मुझे छाती से लगाती और बातें कम करती थी। अब वे एकांत प्रिय हो गई थी। वे खोई खोई सी रहने लगी। कभी वे पतंग की बातें करती, कभी मिठाई की। वे भुलक्कड़ सी हो रही थी। वे कभी कहती मुझे बुआ की बजाय जीजी कहा करो, कभी कहती कि प्रमोद मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एक दिन माँ ने कोठरी में बुआ को ले जाकर बेंतों से पीटा, फिर उनका स्कूल छुड़वा दिया। बाद में उनकी हंसी गायब हो गई। कारण था कि बुआ शीला के यहाँ जाने लगी थी और देर रात से लौटती थी। बाद में पता चला कि बुआ शीला के भाई से प्रेम करने लगी थी। अतः पिताजी ने जल्दी लड़का ढूंढकर 5-6 महीने बाद बुआ की शादी कर दी। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। बुआ अपने घर चली गई। एक पड़ाव खत्म हो जाता है यहाँ तक कि बुआ चंचल स्वभाव की थी और धीरे धीरे जब उसको प्रेम हो जाता है, जब उसका मन अपने वश में नहीं रहता, तो वो अनमने मन से बातें किया करती थी। अनेक ऐसी ऐसी वस्तुओं के बारे में बात करती थी जिनके बारे में वो बात करते करते भूल जाया करती थी, और वो अपने दिल की दुख की व्यथा को केवल प्रमोद से बता पाती थी। विवाह के बाद मेरा मन नहीं लगता था। 4 दिन बाद बुआ लौट आई। वे बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए लाई थी। मैं इतना अनमना था कि बुआ की लाई चीज़ों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। बाद में उन्होंने मुझे एक पत्र लेकर शीला के घर भेजा और कहा कि वे इसे केवल शीला के भाई को ही देना। मैं शीला के भाई के घर गया, वह पत्र उन्हें दे दिया। वे पढ़कर तन्मय हो गए। फिर उन्हें मेरा ध्यान आया और उन्होंने मेरा खूब दुलार किया। फिर उन्होंने भी एक पत्र बुआ के लिए दिया। मैंने पत्र लाकर बुआ को दे दिया। वे पत्र पढ़कर पहले तल्लीन रही, बाद में मुझसे कहा अब कभी शीला के भाई के घर न जाना। फिर उन्होंने कहा कि तुझसे जवाब लाने को किसने कहा था, तू ना समझ और गधा है। क्या तू नहीं जानता कि मेरी शादी हो गई और पत्र व्यवहार करना उचित नहीं है। मतलब उसको लोकलाज की, समाज की भी चिंता थी। 3-4 दिन बाद बुआ के सिर में
दर्द हुआ। उन्होंने एक पर्चा लिखकर मुझे दिया कि शीला के भाई डॉक्टर हैं, उनसे दवा लिया। मैंने वह पर्चा शीला के भाई को दिया तो वे गुस्सा हो गए और उन्होंने पर्चा फाड़ दिया। मैं लौट आया। अगले दिन फूफा आ गए। उन्होंने यात्रा का प्रबंध कर लिया था। 300 मील की यात्रा में कोई कष्ट न हो होने देने का वादा भी किया। बुआ के पत्र आते थे जो संक्षिप्त होते थे। मैं कहता मुझे बुआ को लाने को भेज दो, पर बुआ बाबूजी मुझे बहला देते। 8-10 महीने के बाद अचानक बुआ आ गई। मैंने देखा कि बुआ की शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी। गर्भवती होने से वह पीली पड़ गई थी। उन्हें अरुचि सी रहती थी। मैं उन्हें मना करता कि अब न जाना। मैं कहता कि अब कहीं नहीं जाने दूंगा। बुआ कहती कि मैं तेरे साथ रहूंगी। वे और भी बहुत सी बातें करती थी। बाबूजी चाहते थे कि मृणाल, मृणाल कौन है या वही बुआ, पति की इच्छा के बिना न आए। एक बार अलग से बाबूजी ने बुआ से पूछा तो उन्होंने न जाने की बात कही। उन्होंने बुआ के दिल में वे जाने की बात जाननी चाहिए, पर बुआ ने कुछ नहीं बताया। फिर उन्होंने मर जाने की बात भी कही। बाद में वे जाने की तैयारी में लग गई। क्योंकि फूफा आने वाले थे, एक दिन उन्होंने सिर दर्द की बात बताई। दर्द इतना बड़ा कि झटपट आने लगी। फिर भी डॉक्टर को नहीं बुलाया। फिर उन्होंने मुझसे जमाल गोटा मंगवाया। मैं बार बार उन्हें रुकने को कहता। जमाल गोटा मंगवाया, उससे उन्हें दस्त हो गए। शायद वे अपना गर्भ गिरवाना चाहती थी। मैं बार बार उन्हें रुकने को कहता, पर वे निश्चित उत्तर नहीं देती। रविवार को फूफा जी उन्हें लेने आ गए। वे मुझसे अनेक बातें पूछते रहे। जाने से पूर्व मैंने बुआ के पत्र लिखते रहने को कहा। बुआ जाने से पूर्व बहुत रोई। प्रमोद बुआ की कहानी बताते हुए थक गया है, अतः वह कहानी छोड़कर भवितव्यता या ईश्वर सृष्टि की विचित्रता, कर्म फल आदि प्रश्नों का दार्शनिक रूप से विचार करता है। अब इसमें ये था कि एक दौर आता है कि कहानी बताते बताते वो थक चुका था। वो किन अब इसमें कवि की प्रतिभा का प्रदर्शन हो रहा है कि वो ईश्वर की सृष्टि की विचित्रता, कर्म फल, दार्शनिक विचारों को आपके सामने व्यक्त करते हैं। किसके माध्यम से? प्रमोद के माध्यम से। बुआ के पत्र आने बंद हो गए। मेरे माता पिता कुछ भी बताने से मना कर देते थे। मैं अवश्य बुआ के बारे में अनेक प्रश्नों में उलझा रहता था। बहुत दिनों बाद पता चला कि बुआ को फूफा ने त्याग दिया है। त्याग दिया वही, उनको अलग कर दिया। यह भी पता चला कि संबंध विच्छेद हो गया, मतलब तलाक हो गया, और उन्हें उसी शहर में अलग एक छोटे घर में रख दिया गया है। फूफा उन्हें मैके भेजना चाहते थे, पर बुआ ने मना कर दिया था। उन्हें मारा पीटा तक गया, पर बुआ ने हमारे यहाँ आने से मना कर दिया। इधर मैंने इंटर पास कर लिया और आगे पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय जा रहा था, जो रास्ते में वह नगर भी पड़ा जहाँ बुआ रहती थी। सोचा अब लौटूंगा तो उतरूंगा। लौटते समय मैं उतर गया और नगर में बुआ की खोज के लिए चल पड़ा। पता चला कि बुआ अब किसी अन्य नगर में चली गई है और एक कोयले की दुकान वाले बनिया उनके साथ है। वह हमारे नगर के पास था। मैं जब उस नगर और नगर के बुआ वाले आवास में गया तो वे एक कोठरी में रोटी पकाते हुए मिली। ठीक है, वे गर्भवती थी, बेहद दुबली थी। उन्होंने मुझे देखा, देखती रह गई। फिर उन्होंने मुझसे आंखें हटा ली। मेरे पुकारने पर भी वे नहीं बोली। कोयले वाला आया तो उससे कहा कि इन्हें जाने को कह दो। जब मैंने खाने को मांगा तो उन्होंने आदमी से कहा कि दही बुरा ले आओ। वह गया तो मैंने बताया कि बाबूजी नहीं रहे, मेरे लिए माँ और तुम बुआ ये दो ही हो। विवाह, माँ विवाह करना चाहती है पर मैं बीए से पहले नहीं करना चाहता। व्यक्ति ने लौट कर दही बुरा दिया। बुआ ने खाने को कहा। खाते समय चलने के बारे में बातें हुई। मैंने उनसे घर चलने को आग्रह किया पर वे नहीं मानी। उन्होंने बताया कि इसी व्यक्ति के कारण जीवित हूँ, इसे छोड़कर नहीं जा सकती। फिर उनके कहने पर मैं उस व्यक्ति को खाने को बुलाने के लिए गया। मैं तब तक बाहर घूमता रहा। फिर उस व्यक्ति के कहने पर मैं भीतर गया। उन्होंने अब खाना खा लिया, मैं वहाँ लेट गया। वे आई तो बातचीत में उन्होंने बताया कि यह आदमी मुझे छोड़ जाएगा, तब मैं ये जगह छोड़ दूंगी। हाँ, वैश्यवृत्ति नहीं करूँगी। फिर उन्होंने बताया कि मैंने पवित्रता से के नाते तुम्हारे फूफा को बताया था कि शीला के भाई का पत्र आया है। वे नाराज हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और शहर से बाहर एक कोठरी में छोड़ गए।
तब इसी पुरुष ने मेरी देखभाल की। मैं अब इसी की सेवा में हूँ। यद्यपि यह परिवार वाला है, फिर भी खतरे उठाकर इसने मेरी सहायता की। यह मेरे सौंदर्य पर मोहित था, मतवाला था। उसने भाग चलने की सलाह दी। मेरे बताने पर वह इस जगह मुझे ले आया। उन्होंने बताया कि मैं इस आदमी से गर्भवती हूँ। पहले यह आसक्त था, अब यह मुझसे विरक्त हो गया है और परिवार में वापस जाना चाहता है। मैं भी यही चाहती हूँ कि यह लौट जाए। मुझे बड़ा दुख हुआ सारी कहानी सुनकर। उन्हें अपने पेट के बालक की चिंता थी। फिर मुझे सोने की हिदायत देकर वे पड़ोस में चली गई। प्रमोद सो नहीं सका। वह कहता है कि अपनी दुनिया में लौटना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ, एक व्यभिचारिणी स्त्री जब पति धर्म की बात करती है तो उसे क्या समझाऊँ। मैं जानता हूँ कि वह मेरी बात नहीं मानेगी और न सुधरेगी। मैं बिस्तर से उठकर कमरे को व्यवस्थित करना चाहता था पर समझ में नहीं आ रहा था। तभी बुआ आ गई तो मैंने जाने की बात कही और बताया कि माँ मेरा विवाह करना चाहती है पर मैं नहीं करना चाहता। फिर मैंने विवाह में सम्मिलित होने की बात बुआ से पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं किस मुँह से आऊँ। उस समय उन्होंने जो बातें कही वह मेरी समझ में नहीं आई। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा, आया तो सहायता करने था पर अब कोई लेता नहीं तो क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा मुझे सहायता अपेक्षित भी नहीं है। चलते समय मैंने कहा कि कभी सहायता की आवश्यकता आए तो लिखना। मैं वहाँ से स्टेशन को चला गया। जब मैं घर आया तो माँ के पूछने पर बताया कि मैं बुआ के यहाँ गया था तो वे बेहद नाराज हुई। इसी स्थिति में मैंने विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। मन बहुत अशांत था, तरह तरह की बातें सोचता। दोबारा एक लड़की को देखने गया, वह सुंदर थी और पसंद भी आ गई। वहाँ मैंने आश्चर्यजनक रूप से बुआ को काम करते पाया। बाद में मैं उनकी कोठरी पर मिलने गया। उन्होंने बताया कि इस बच्ची 8 माह की होकर भूख व रोग से मर गई। जब मैंने उनसे शादी में आने को कहा तो मना कर दिया। मैं 2 रोज रहा और सबको बुआ से मिलना मालूम हो गया। मैं उसे छुपाना नहीं चाहता था पर बुआ मना कर रही थी। अंततः मैंने लड़की के पिता को बता ही दिया तो वो सहमत हो गए, परंतु उनकी माँ नहीं मानी और इस कारण रिश्ता टूट गया। बुआ को भी नौकरी से हटा दिया गया। अब मैं इस कहानी को अधिक नहीं कहना चाहता। जैसे बुआ अगम जल में डूब रही है और मैं उन्हें बचा रहा हूँ, फिर जब बुआ से मिलने गया तो मैं वकील बन चुका था। वस्तुतः उन्होंने ही पत्र लिखा था, इससे बहुत सी बातें थी। उन्होंने लिखा था कि अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती, अब मैं दुर्जन लोगों की कृपा पर जीवित हूँ। जो यहाँ हैं वे तिरस्कृत पतित और वृद्ध जैसे हैं। तुम यहाँ न आओ तो अच्छा है। इस बस्ती में अपने को कोई सच्चरित्र नहीं कहता। यहाँ दुर्जनता, भयानकता, अश्लीलता, असभ्यता, बर्बरता, अमानवीयता, दुराचार आदि का बोलबाला है। जब तुम न आना अन्यथा मेरे प्रति तुम्हारा शेष प्रेम भी नष्ट हो जाएगा। बुआ के निषेध के बावजूद मैं वहां गया। उसने कहा कि घर चलो, घर में माँ के न रहने से तुम्हें परेशानी न होगी। उन्होंने पूछा कि क्या मेरे साथ यहाँ के लोगों को भी ले चलोगे, इसका मेरे ऊपर उपकार है। जब मैंने उन्हें ले जाने की जिद की तो उन्होंने कहा कि क्या तुम जितना इच्छा हो रुपए दे सकते हो, यदि तुम रुपए दो तो यह नरक कुंड जैसी बस्ती स्वर्ग बन सकती है। मैंने उन्हें अस्पताल में भर्ती कर इलाज कराने को कहा, वह उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया। बाद में मैं वहाँ से चला आया। फिर मैं वहाँ नहीं गया। मैं वकालत में जुटकर भी पछताता रहा कि बुआ को रुपए देने की बात मैंने क्यों नहीं मानी। शायद यह मेरी क्षुद्रता थी। मुझे दुख है कि मैंने बुआ को देखे बिना कैसे 17 वर्ष बिता दिए। अब खबर मिली कि बुआ मर गई। मैंने निश्चय किया कि बुआ के जीते मैंने उनकी बात नहीं मानी, अब मैं जजी का वध छोड़ने पर दृढ़ हूँ। और मैंने जजी से त्याग पत्र दे दिया। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि ये संपूर्ण कहानी त्याग की है। पहले मृणाल को उसके पति ने त्याग दिया जो कि प्रमोद की बुआ थी, फिर प्रमोद को अपना मन ही कचोड़ता रहा और उसने अपने जज पद से त्याग दे दिया। तो ये समरी है, पूरा उपन्यास नहीं है। पूरा उपन्यास पढ़ने के बाद आपको और भी डिटेल्स पता चलेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके पास बुक्स होंगी और आप उस बुक्स से पढ़ पाओगे। बाकी ना भी पढ़ पाओगे तो भी इसका जीवन परिचय और अगर आपको समरी पता है तो आप कई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कथा का सार लिखिए, जैसे जैनेन्द्र जी का जीवन परिचय देते हुए कहानी के उपन्यास के तत्वों के आधार पर उपन्यास की समीक्षा करें। जैसे उपन्यास में कैसी कथा का, पारिवारिक कथा का प्रयोग हुआ है या किस तरह की कथा का प्रयोग है, या जैनेन्द्र एक अच्छे व्यंग्यकार हैं उसकी व्याख्या कीजिए
इस तरह के प्रश्नों का उत्तर इसके अंदर दिया जा सकता है। धन्यवाद।